that. चैनल क्रिएटिव यामिनी आर्ट, आज मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ विच इज़ द बेस्ट कलर आई लाइनर, किस तरीके का कलर लाइनर बहुत अच्छा होता है आंखों पे लगाने के लिए। मेरे कलेक्शन का सबसे अच्छा वाला, प्लस मैं आपका मेरे साथ मेरा कलर काजल का एक कलेक्शन, मिनी कलेक्शन है, ज़्यादा बड़ा कलेक्शन नहीं है, तो वो भी शेयर कर दूँगी। प्लस बता भी दूँगी कि कौन सा आपको लेना चाहिए, किसकी क्या प्राइस है, आपको क्या लास्ट प्राइस तक मिल जाएगा। सो वीडियो पसंद आती है, हेल्पफुल रहती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो कि बिल्कुल फ्री है। पास ही में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, उस पर भी हिट कर दीजिएगा, तो आने वाली सभी वीडियोज़ से आप नोटिफाइड हो पाएंगे। अगर आप मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि मुझे कलरफुल मेकअप करना कितना ज़्यादा पसंद है। आई थिंक मैं अपने चैनल पर मल्टी कलर्स के 2 से 3 मेकअप लुक कर चुकी हूँ। फर्स्ट मैंने नवरात्रे के लिए किया था, सेकेंड रिसेंटली मैंने एक रेनबो आई मेकअप लुक किया था, और काफ़ी सारे कलरफुल मेकअप मैं कर चुकी हूँ, और कुछ ना कुछ मेकअप मैं कलरफुल करती ही हूँ। तो मुझे कलरफुल मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद है। सिंपल सा कलरफुल मास्कारा हो गया, काजल हो गया, लाइनर हो गया। इनफैक्ट मैंने आपके संग मेरे कलर्ड लाइनर का आई थिंक आई स्वाचेस भी किए हैं, आप मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, या लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर दूँगी, आप मेरे चैनल पर चेकआउट ही कर लीजिएगा। तो आई स्वाचेस भी मैंने किए क्योंकि मुझे कलर लाइनर लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो थोड़ा आपको डिफरेंट लुक देते हैं। अगेन अभी मैंने ब्लू कलर का मस्कारा लगाया हुआ है, और स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फर्स्ट जो है वो है ये मी नाउ जनरेशन 2 की, ये है सिल्वर कलर की। इससे आप अपना सिल्वर आई शेडो भी अप्लाई कर सकते हो। मुझे ये इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि आंखों पे इजीली अप्लाई नहीं होती है, बट इसका स्टेइंग पावर बहुत अच्छा है। एक बार जब आप बहुत 2-3 कोटिंग कर लेते हैं तो ये स्टे करती है, और ये बहुत ही अफोर्डेबल रेंज की है, 20 से 30 रुपीज़ की है। इस तरीके की आपकी आंखों में बहुत डिफरेंट लुक दे देती है। ये थोड़ा सा वाइट काजल की टाइप से काम करती है। तो एक पेंसिल ये है जो कि मी नाउ जनरेशन 2 की है। नेक्स्ट आई हैव ग्लैम 21 की। तो ग्लैम 21 की मेरे पास ये सिक्स है। ये सिक्स जो है ये सिंपल जो भी कलरफुल है वो है। इसी के साथ मेरे पास इसका ब्लैक काजल वाला भी है, तो अगर आप पाँचों का कुछ देखना चाह रहे हो आई मेकअप क्रिएट करने के लिए तो वो मुझे बता सकते हो। सो फर्स्ट जो मेरे पास शेड है, मैं सबके शेड्स और आपको पिगमेंटेशन बता देती हूँ। फर्स्ट जो शेड है वो है E10 डीमन ब्लू। इस ब्लू इन कलर बहुत ही प्यारा कलर है, फर्स्ट ये कलर है। सेकंड जो कलर है वो है E07 पिकॉक ब्लू। इसे मैंने आज रिसेंट ही अपने एक मेकअप लुक में भी यूज़ किया था, मारवाड़ी राजस्थानी मेकअप लुक में, उसमें अपने काजल के लिए यूज़ किया था। बहुत ही प्यारा लुक आया था उससे, और ये बहुत ही प्यारा कलर भी है। तो ये पिकॉक ब्लू है। मैंने बेसिकली ये पेंसिल्स ली थी पिकॉक आई मेकअप के लिए, बट वो अभी तक मैंने किया ही नहीं है, मैं सोच रही हूँ 1 से 2 दिन में कर लूँ। नेक्स्ट जो शेड है वो है E10 रोमांटिक पर्पल। ये शेड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये आई मेकअप के लिए बहुत ही प्यारा रहता है। अगेन ये सारी जो है 20 रुपीज़ की है। नेक्स्ट जो है वो है मेरे पास एक हाफ एंड हाफ की, और वो शेड है L28 पर्पल ज्वेल। ये वाला पर्पल इससे थोड़ा सा डार्क है, ये ज़्यादा बटरी सॉफ्ट है, और इसका पिगमेंटेशन ज़्यादा अच्छा है, स्मूथली ग्लाइड हो रहा है, आंखों पे बहुत प्यारा लगेगा। नेक्स्ट जो है ये है E02 गोल्डन। अगेन ये ग्लैम 21 की है। ये वाला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये आंखों पे बिल्कुल भी पिगमेंटेशन नहीं देता है। आप देख सकते हो 2 से 3 के बाद भी ये इतना पिगमेंटेशन नहीं दे रहा है जितना इसको देना चाहिए। सो इनर कॉर्नर्स वगैरह कुछ भी इससे जो है हाईलाइट नहीं होती है। नेक्स्ट है ये ग्लैम 21 का वाइट शेड, और ये वाला भी बहुत अच्छा पिगमेंटेशन है इसका। ये अपने लैक्मे जो काजल है, वाइट काजल, काफ़ी हद तक उसी तरीके का इसका पिगमेंटेशन है। तो ये थे ग्लैम एंड हाफ एंड हाफ की, ये सारे ही 20 रुपीज़ के हैं। 20 से 30 रुपीज़ में मैंने 20 से 30 से ज़्यादा में मैंने किसी को भी नहीं लिया होगा। तो ये लास्ट था ये वाला। नेक्स्ट आई हैव कुछ हाई एंड ब्रांड्स के, कुछ अच्छे ब्रांड्स के जो कि मेरे फेवरेट है, और आई थिंक मेरे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। तो फर्स्ट है ये सॉफ्ट काजल, ये है ब्लू हेवन का सेल्फी सफाया।
इसका जो पिगमेंटेशन है वो बहुत अच्छा है, बट ये इतना स्मूथली, अगर मैं बात करूँ स्मज की, तो ये स्मज नहीं होता है बिल्कुल भी। इसका शेड मुझे इतना ज़्यादा खास पसंद नहीं है, अदरवाइज़ ये लगाने पे बहुत अच्छा है, लगता बहुत अच्छा है। इसी के संग अगर कोई मुझे इमेज मिल जाती है तो मैं आपके संग बिल्कुल शेयर करूँगी। सो ये 125 रुपीज़ तक का है, ये 125 रुपीज़ तक का है। नेक्स्ट है स्टे कॉकी का, तो ये जो प्राइस है, हो सकता है इसमें कोई प्राइस मिस्टेक, ये 215 रुपये वाला है, ये 215 रुपये का। ये है स्टे कॉकी का आई लव यू टू काजल, ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, टूट गया, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है, आप देख सकते हो पिगमेंटेशन। आई थिंक मैंने इस पर रिव्यू बनाया है, इस पर रिव्यू नहीं बनाया होगा मैंने, और अगर आप रिव्यू देखना चाहते हो तो कमेंट करके बता सकते हो। तो ये इसका वाइट काजल है जो कि बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा स्टेइंग पावर है, थोड़ा सा स्टे होने में टाइम लेता है, स्टेबल होने में टाइम लेता है, अदरवाइज़ ये स्मज हो जाता है। नेक्स्ट है ये लैक्मे का, जो कि आई थिंक मैंने 150 रुपीज़ या 250 रुपीज़ तक का लिया था, इस पर प्राइस नहीं दे रखा है। ये लैक्मे का आइकॉनिक वाइट काजल है, इसका भी पिगमेंटेशन ठीक है, इतना खास नहीं लगा मुझे, स्टेइंग पावर बहुत अच्छा है, स्मज नहीं होता है, पिगमेंटेशन आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने बताया था कि दोनों का पिगमेंटेशन सेम ही है। स्टे कॉकी का जो है उसका वाइट काजल का बहुत अच्छा पिगमेंटेशन है, तो अगर वाइट काजल की मैं प्रॉपर बात करूँ तो आप स्टे कॉकी का ट्राई करके देख सकते हो, और अगर आपको नहीं मिलता है, बट ये भी बहुत बहुत मुश्किल से मिलेगा, बहुत जगह मैंने पता किया तब जाके मुझे मिला, और ये ऐसी जगह में से मुझे मैंने ख़रीदा है, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती थी, मैंने आगर एक गांव है वहाँ से ख़रीदा है, ऐसे किसी वेबसाइट पे भी ये इजीली अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट जो कि मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट है, सबसे ज़्यादा वाले फेवरेट है, वो है ये वेड एंड वाइट के दो काजल्स, ये वेड एंड वाइट के कोल क्रेयॉन पेंसिल्स हैं, एक जो शेड है ब्राउन है, काफ़ी वीडियो में यूज़ किया, एक ब्राउन है और एक ये न्यूड है, ये 135 रुपीज़ के हैं, बट आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में मिल जाते हैं, आई थिंक 100 रुपीज़ तक में मिल जाएंगे। अगर मैं पिगमेंटेशन की बात करूँ तो हाईली हाईली रिकमेंडेड करती हूँ मैं आपको ये, तो ये न्यूड वाला था, दिस इज़ द ब्राउन वन, एक स्वाइप में सी, मुझे ब्लैक काजल से ज़्यादा ब्राउन काजल पसंद है, और ये मेरा फर्स्ट है, और आई थिंक ये मेरा बहुत अच्छा वाला है, तो मुझे दूसरा लेने की ज़रूरत नहीं है, बट आई थॉट एक वो प्लम का लेना चाहती हूँ मैं, क्योंकि उसकी तारीफ़ मैंने बहुत ज़्यादा सुनी है, तो देखते हैं प्लम में मैं ब्लैक लेती हूँ या ब्राउन, अदरवाइज़ मुझे ब्राउन ही ज़्यादा पसंद है, आप देख सकते हो। तो ये 135 रुपीज़ के थे, तो मैं आपको जो रिकमेंड करूँगी अगर शेड वाइज की भी मैं बात करूँ, तो ये कुछ काजल से, ये ग्लैम का जो कि शेड था इसका पिकॉक ब्लू, 20 रुपीज़ का है, ब्लू हेवन का, इसमें आपको ग्रीन भी मिल जाता है। दिस इज़ द लैक्मे वाइट स्टेको की का वाइट, ये वेड एंड वाइट के दो, आप ये दोनों लोग 100 रुपीज़ में आपको बहुत अफोर्डेबल में मिल रहे हैं, इनसे ज़्यादा अफोर्डेबल है, इसमें वाइट भी अवेलेबल है, अगर आप देखना चाह रहे हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, फिलहाल तो मेरा मन नहीं है, बट अगर आप बोलेंगे तो बिल्कुल मैं उसका रिव्यू बना दूंगी, और इनका भी अगर आप रिव्यू देखना चाह रहे हो तो बता सकते हो। बहुत ही अच्छा साइज़ आपको मिल रहा है इसमें, प्रोडक्ट क्वांटिटी आपको मिलती है 1.4 ग्राम की, तो पेंसिल का साइज़ आप देख सकते हो, बहुत ही सबसे ज़्यादा बड़ा है इसमें सी, तो बहुत अच्छा साइज़ मिल रहा है, क्वांटिटी मिल रही है, प्रोडक्ट मिल रहा है, तो वेड एंड वाइट के मेरे फेवरेट है, स्टे कॉकी का, उसके बाद लैक्मे, देन ग्लैम। सो वीडियो पसंद आई है तो अगेन मैं यही बोलूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कि बिल्कुल फ्री है, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, मेरे पास कोई पैसा नहीं आएगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो कि बिल्कुल फ्री है, पास ही में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा उस पर भी हिट कर दीजिएगा, तो आने वाली सभी वीडियो से आप नोटिफाइड हो पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे ब्लेस्ड, बाय।